हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में, और आपको एक बिल्कुल नए चैप्टर पे, रीजनिंग के नए पड़ाव पर आपका स्वागत है। आज के चैप्टर के नाम है, कल की क्लास में आपको याद होगा कि हम सबों ने वेन डायग्राम पर काम किया था, डायग्राम इंटरप्रिटेशन पे काम किया था। आज की क्लास में हम सब काम करेंगे छात्रगण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स। अंग्रेजी की वर्णमाला पर आधारित इस कहानी में हम सब इसके कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव पर चलेंगे और आपको इस इंग्लिश अल्फाबेट्स पर कई सारे कंसेप्ट क्लियर करके रखेंगे। छात्रगण, ये पड़ाव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग पर जो आपको टाइप पढ़ाए गए थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उसके जो नंबर लिखाए गए थे, याद होगा मेरी पहली चैप्टर, उसका वीडियो जरूर देख लीजिएगा इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। और अगर सब कुछ आपको हैंडी हो चुका है, याद हो चुका है, तो फिर ये चैप्टर आपको बहुत कुछ दे करके जाने वाला है। स्वागत करते हैं छात्रगण आज की इस क्लास में आपका, और आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स की ओर लेकर के चलते हैं। देखिए, पूरी कहानी इंग्लिश के अल्फाबेट्स पे ही इसमें रची जाती है, लिखी जाती है। ये कहानियाँ कैसी होती हैं, किस आधार पर लिखी जाती हैं, आइए सीधे सीधे हम इसके पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन या क्वेश्चन के एक पैटर्न पर इसको हम लोग देखते हैं। सीधे क्वेश्चन कहता है, एक प्रश्न कह रहा है, एग्जाम्पल क्वेश्चन अपने आप क्लियर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी बाई ओर से, मैंने आपको पहले बताया है कि जब ए से जेड चलते हैं तो हम बाएं से दाएं चलते हैं, आपको बताया गया है ना। आपकी बाई ओर से आठवें अक्षर के बाएं, आपकी बाई ओर से आठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी बाई ओर से आठवें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा है। अब देखिए सिंपली, अभी एक मैनुअल आप पढ़ेंगे ना, इसको खाली लिख के आपको दिखाते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी W, X, Y और Z। ये जो कहानी है छात्रगण प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स का, इसमें क्या है, देखिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपकी बाई ओर से आठवें अक्षर, तो बाया किधर चला जाता है, आपको मालूम है A से Z की ओर हम लोग मूव करते हैं, जब बाया कहा जाता है तो आठवां अक्षर कौन होता है, आपको मालूम है H होता है। बाई ओर से आठवां हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको याद भी करा चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आठवें अक्षर के बाएं, आपको यह भी बताया गया था कि किसी अक्षर का बायां दायां, मतलब किसी अक्षर के लेफ्ट राइट, हमारा अपना लेफ्ट राइट होता है, तो हमारा अपना लेफ्ट इधर है, तो इसके इधर लेफ्ट चलेंगे चौथा, 1 2 3 4, ये हो गया 4, आंसर हो गया मेरा डी। परीक्षा लेवल पर इतना काम करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। जहां किसी अल्फाबेट का क्वेश्चन आएगा, आप इतना लंबा करेंगे, ये तो छोटा था आठवां, मान ली बोल देता 17वां के बाएं चौथा कौन होगा, तो वो भी बहुत आसान ट्रिक से बना सकते हैं। आप सिंपली दिमाग लगाइए कि आपको इधर की ओर बढ़ना, बायां किधर होता है, आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद है, आपको बोल दिया गया अल्फाबेट का पोजीशन 17 से बोलता है कि 6 अक्षर बाएं, तो 6 माइनस कर दीजिए, 17 में 6 गया, कितना बचा, 11वां लेटर आंसर दे दीजिए। तो कई इसकी विधियां होंगी छात्रगण, उसी विधि को आज आपके पास में लेकर के आया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में आपका बाएं बाएं दोनों पोजीशन बाया बाया का पूछा जा रहा है, या दोनों पोजीशन दाया दाया का पूछा जा रहा है, मीन चाहे लेफ्ट लेफ्ट कॉम्बिनेशन दिया रहे या राइट राइट कॉम्बिनेशन दिया रहे, दोनों स्थितियों में आपको दिए गए अंकों को माइनस कर देना है, और कुछ भी आपको नहीं करना। अल्फाबेट का पूरा पोजीशन आपको याद है, कंसेप्ट आपको पूरा दिया हुआ कि काहे माइनस हो रहा है, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो बाई ओर से आठवें अक्षर के बाएं, बायां बायां है दोनों क्वेश्चन में, सीधे 8 लीजिए और 4 लीजिए, 8 में 4 4 घटा दीजिए, कितना आया चौथा, चौथा लेटर मेरा कौन होता है डी, देखिए आंसर आ गया डी। तो सिंपली ये कहानी आपको कहना है छात्रगण, जहां क्वेश्चन में आपका बाएं बाएं दिया रहे, दाएं दाएं दिया रहे,
आपको सिंपली कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। सिंपल आप अपना दोनों लॉजिक याद रखिए कि सर हमको अल्फाबेट्स में क्या पढ़ाए हैं, बाएं बाएं पढ़ाए हैं, दाएं दाएं हैं क्वेश्चन, सीधे सिंपली उसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। तो आठ में से चार घटा दिए तो कितना आंसर आया, चार, और सीधे चौथा लेटर मेरा होता कौन है, डी, आंसर पुट अप कर दिए। तो इन बातों का ख्याल रख करके आप इस चैप्टर में बहुत बहुत अच्छा कर सकते हैं छात्र, इस बात का ख्याल रखिएगा। आइए अगली प्रश्न की ओर आपको लेके चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सब इसको आपको हल करने का प्रयास करते हैं। तो सिंपल बात हुआ, अल्फाबेट में यदि बाएं से बाएं रहा घटा देना है, दाएं से दाएं रहा माइनस कर देना है, बल्कि एक यहाँ पे एक नोट बना करके इसको लिख लीजिए, है ना, नोट, इस प्रकार से नोट बना लीजिए एकदम अच्छी तरह से और पहली नोट क्रिएट कर लीजिए, है ना। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स में यदि बाएं बाएं या दाएं दाएं दिया रहे तो हमें निश्चित रूप से, तो हमें निश्चित रूप से दोनों दिए गए स्थानों को, दोनों दिए गए स्थानों को घटा देना है, दोनों दिए गए स्थानों को घटा देना है। इस बात का एकदम आपको ख्याल रखना होगा नोट में कि अल्फाबेट्स में यदि बाएं बाएं या दाएं दाएं दिया रहे तो हमें निश्चित रूप से दोनों दिए गए स्थानों को घटा देना है। इस बात का ख्याल रखेंगे छात्रगण, अन्यथा आप ऐसे प्रश्नों कहीं ना कहीं गलत करेंगे। ओके, तो चलिए ये राइट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेके चलता हूँ। छात्रगण अगले पड़ाव पर हैं, अगले प्रश्न की ओर आपको लेके चल रहे हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेट्स पे। क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। प्रश्न फिर आप देख लीजिए, दाएं और दाएं हैं, देखिए इसे कई तरीके हैं, दाएं से निकालने के लिए आपको बताया गया था। आप याद कीजिए कि अल्फाबेट्स में आप दाएं से की ओर से कैसे निकालते हैं, सीधे आप अंक 27 का प्रयोग करते हैं, 27 में से दाईं ओर से जितना दिया गया है उसको अंक को माइनस करते हैं, जो वैल्यूज आता है उसके दाईं ओर लेकर के आप बढ़ते हैं। आपको मालूम होगा अंक 27 का प्रयोग, वो सब भी आपको कुछ नहीं करना है, वो करना है आपको बाद में। प्रश्न में जहां आप देखें दाएं और दाएं, अल्फाबेट में दाएं दाएं देख, कितना आपको लंबा काम करना होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, आप सबसे पहले ए बी सी डी लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये आपने लिखना शुरू किया। अब कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 दाएं से 18वां हो गया, आई हो गया, के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, दायां कौन, दायां इधर जाएंगे मालूम, के दाएं 10वां, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आंसर आपका क्या आया, ऐसा आया। इतना लंबा काम करेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चन में दायां दायां दिया हुआ है, 18 में से सीधे दोनों माइनस कर दीजिए, तो 18 में से 10 माइनस, आंसर कितना आया, 8। अब आठवां लेटर जो आया है वो किधर से देखना है आपको, दाईं ओर से, क्योंकि प्रश्न दायां बोला है, वहां बायां बोला हुआ था तो बायां देखेंगे, ये आपको एकदम ख्याल रखना पड़ेगा। तो 8 आंसर आ गया, घटाने के बाद आंसर आया मेरा 8। अब सिंपली हम लोग क्या उपाय करेंगे, ये जो 8 है इसको दाईं ओर से काउंट कर लीजिए। तो काउंट काहे करेंगे, हमको मालूम है दाईं ओर से अक्षर निकालने के लिए आपको बताया गया था प्रीवियस क्लास में 27 में से घटा देना है, तो 27 में से 8 घटा दीजिए, तो आंसर कितना आया, 19। 19वां लेटर मेरा कौन होता है, एस, आंसर आ गया एस। मैनुअल ला करके अभी आपको दिखाए थे एस ला करके, देखिए ट्रिक से हम एस ले आए। तो देखिए छोटा छोटा ट्रिक बड़ी काम का चीज होता है, परीक्षाओं में प्रश्नों का जो पैटर्न होता है बिल्कुल एक जैसा है, शब्द एक हैं, बोल एक हैं, ये तो इन बातों का थोड़ा सा अगर आप ख्याल रखें छात्रगण, तो हम समझते हैं कि आप बहुत अच्छा इन चैप्टरों पे आप कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। तो सिंपली 18 में से 10 गया 8, यहाँ पर फिर 27, दाईं ओर से अक्षर निकालने के लिए भूल गए हैं तो फिर याद रखिए राइट ओर से अक्षर का क्रम निकालने के लिए मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करते हैं, उसमें से दिए गए अक्षर का क्रम को माइनस करते हैं, सीधे सीधे आंसर आ जाता है। तो 19 आया, 19वां लेटर मेरा होता कौन है, एस होता है, यही इसकी कहानी है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में जब प्रश्न में बाएं बाएं दिया रहे माइनस कर देना है, दाएं दाएं दिया रहे माइनस कर देना है, बाईं ओर से अक्षर क्रम आपको याद है, दाईं ओर से अक्षर क्रम ज्ञात करने के लिए 27 घटाइए, आंसर आ जाएगा। जो भी घटाने के बाद आएगा उसको 27 में से घटा करके ले आइए, जो आंसर आएगा उसको बाईं ओर से काउंट कर दीजिए। 27 में से 8 घटाए तो 19 आए, 19वां लेटर मेरा होता है
एस। समझ में आ गया अच्छी तरह से। आइए अब उस पड़ाव पर काम करें जहां पे दाएं दाएं या बाएं बाएं ना दे करके बाएं दाएं दिया रहे, वहां पर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, एक सीधे एग्जांपल क्वेश्चन लेते हैं, तुरंत क्लियर करवा देते हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए प्रश्न एकदम बिल्कुल चेंज हो चुका है। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाएं, अब प्रश्न में बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन आ गया। बाएं बाएं के कॉम्बिनेशन होने पर माइनस करना है, दाएं दाएं के कॉम्बिनेशन होने पर माइनस करना है। प्रश्न में बाएं और दाएं का कॉम्बिनेशन आया है, दोनों को जोड़ देंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा है? तो बाएं से 15वें 15 ले लेंगे और दाएं से 7वां 15, और 7 कितना हो गया 22। 22वां लेटर मेरा कौन होता है? ऐड कर देना है वी। आंसर क्या हो गया आपका? वी। अब हमको आपको मैनुअल दिखा देते हैं इसको। आप ए बी सी डी लिख लीजिए फटाक से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 22, ये पूरा 26 लीटर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें, बाएं से 15वां मेरा कौन होता है? ओ। बाएं से 15वां हो गया के दाएं 7वां अक्षर, इधर का 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 भी आंसर आ गया। तो इतना क्यों करने का है? डायरेक्ट दोनों को ऐड कर दीजिए, 15 और 7 कितना हो गया 22, आपका आंसर आ गया। तो देखिए ध्यान रखने का क्या चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप मैनुअल चलिए, गोली मारिए ट्रिक को, कोई ट्रिक नाम का चीज़ नहीं है। आप जानते हैं कि बाएं किधर से होता है, जब आप बाएं बोला जाता है तो आप ए से जेड की ओर मूव करते हैं, तो बाएं से 15वां कौन होगा? अक्षर आपका ओ होगा। अल्फाबेट का पोजिशन आपको याद करवा चुके हैं। के दाएं बोलता है, आप जानते हैं जब दाएं बोला जाएगा तो किसी अक्षर के दाएं क्या होगा? किसी अक्षर का बाएं दाएं, मेरा खुद का बाएं दाएं होता है, तो हम उसके आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे यानी प्लस ना होगा जी, पीछे रहता तो माइनस करते, तो दाएं बढ़ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 भी हो गया। तो सिंपली बच्चा केवल इतना याद रखेगा, एकदम नोट बना करके इसको लिख लीजिए। हम यहाँ पर नोट बना के फिर इसमें नोट लिख देते हैं, नोट हाँ, यदि प्रश्न में हाँ एकदम अच्छा से, यदि प्रश्न में बाएं दाएं दिया रहे, बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन, बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन दिया रहे, बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन दिया रहे, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यदि प्रश्न में बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन दिया रहे तो दोनों को जोड़ देंगे, बस सिंपल एकदम याद रख लीजिएगा। तो 15 और 7 22 जोड़ दिए, और जो पोजीशन 22वां लेटर होता कौन है? भी। फिर आपको कुछ भी करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर बहुत अच्छा से समझ में होगा। आइए अभी इसके एक आध क्वेश्चन और करवा देते हैं ताकि और ये चैप्टर हैंडी हो जाए। आगे प्रश्न को लेकर चलते हैं। प्रश्न में थोड़े से बदलाव किए गए हैं छात्रगण। बदलाव क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, अब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पलट दी गई है। जब अंग्रेजी माला पलटी गई है तो आप देख लीजिए अब कहानी कैसे चलना है। सबसे पहले अब हो गया Z, फिर Y, फिर X, यही है ना, ये पूरा अंग्रेजी का वनमाला यहां पे लिखा हुआ है उल्टा क्रम में। यदि अंग्रेजी वनमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां, पहले एकदम सिंपल जो मैनुअल होता है आप करिए, बाएं से 15वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया बाएं से 15वां। तो बाएं से 15वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा? फिर दाईं ओर चलिए, 1 2 3 4 5, अच्छा आंसर क्या आ गया आपका जी? 15वां के दाईं ओर हो गया जी। कहानी उल्टा क्रम में था, बावजूद आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको सिंपल वही जो जोड़ने का नियम हम बताए हैं वही नियम रखना है। तो जो बाएं, चूंकि प्रश्न में क्या है आपका, देख लीजिए एक और बाया है और दूसरी ओर क्या है दाया, लेटर हेडिंग पर बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है, दोनों को जोड़ दीजिए, 15 और +5 15 और 5 कितना होता है 20। अब ये 20 लीटर, चूंकि देखिए इसको उल्टा क्रम में लिखा गया है छात्रगण, तो आपको बताया था कि उल्टा ओर से
अक्षर ज्ञात करने के लिए आपको सिंपली 27 माइनस करना है, उल्टा क्रम आपको ज्ञात हो जाएगा। तो 27 में से 20 घटा दीजिए, आंसर कितना है, सात, सातवां लेटर आपका कौन होता है, जी, यही आपका आंसर आ गया जी। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच पर काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात मैं यहाँ पे कहता हूँ, अगर आप परीक्षा में ये काम करेंगे कि पूरे अल्फाबेट्स को आप उल्टे क्रम पे लिखेंगे, इस उल्टे क्रम पर लिखने के बाद आप इस क्रम की ओर आगे की ओर बढ़ेंगे, तो 15 दोनों को जोड़े, जोड़ने के बाद इसको 27 में माइनस किए, माइनस करने के बाद आपका 7 आया, 7 का आंसर आया आपका जी। जब जी को आप लिखते हैं तो आपको ये आंसर प्राप्त होता है। आप सिंपल एक काम करेंगे छात्र, क्योंकि जो ट्रिक आपके पास में है वो ट्रिक को एज इट इज रखें। बाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है, दोनों को जोड़ दीजिए, बाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है घटा दीजिए, दाएं दाएं का कॉम्बिनेशन है माइनस कर दीजिए। इतना करने के बाद आप अपने उचित तरीके से ऐसे प्रश्नों का जवाब बहुत ही बखूबी अंदाज से दे सकते हैं। जरूरी यही है कि थोड़े से जो कंसेप्चुअल कंसेप्ट हैं, जो पहले क्लास का कोडिंग डिकोडिंग का, उसे आपको माइंडसेट बना करके रखना चाहिए कि हाँ भाई कब 27 घटाया जाता है, अल्फ़ाबेट का पोजीशन क्या है, जब हम दाइयों से अल्फ़ाबेट्स निकाल रहे होते हैं तो 27 उसे माइनस करना है, ये सब चीज़ दिमाग में एकदम से जो है वो चलते रहना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को आप गलत करते हैं, ठीक है ना। चलिए और कई प्रश्न इस पर लेकर के आ रहे हैं, आगे के प्रश्न की ओर चलते हैं। छात्रों प्रश्न को आप देख लीजिए, अल्फाबेट्स लिखे हैं ए से जेड तक। कहता है कि यदि उपर्युक्त वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखिए एकदम कहानी अलग है, 26 लेटर का पूरा अल्फाबेट्स है, 13 लेटर को ही बोलता है कि उल्टा क्रम में लिखेंगे, तो पहला 13 लेटर कौन होगा आपका, एम तक, बोलता है इसको उल्टा क्रम में लिखेंगे। अब आपको यह सलाह दिया जाता है कि अब आप किसी प्रकार का कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल अलग रूप में पूछा जा रहा है। जैसे क्वेश्चन पूछता है बस जल्दी जल्दी आपको रफ पेपर दिया हुआ रहेगा उस पर आप काम करिएगा। तो पहला देखिए क्या कर रहा है, यदि उपर्युक्त वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखे विपरीत क्रम में, तो हो जाएगा आपका M L K Z I H Z F E D C B A, हाँ, तो दाएं आप बाकी सब सेम टू सेम रहा है, यहां सब बाकी वही कहानी है, N O P Q R S T U V W X Y और Z, यहीं पे लिख देते हैं, कहानी हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा जाए, लिखा जाए तो दाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर, देखिए दायां बायां था, ऐड कर देते आंसर आ जाता, लेकिन आंसर नहीं आएगा क्योंकि कहानी पलटा हुआ है, इसलिए आपको बोले कि इस प्रकार से मैनुअल बना लीजिएगा। तो दाईं ओर से नवा अक्षर, दायां किधर मेरा चलता है, इधर चलता है, दाईं ओर से नवा कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाईं ओर से नवा आर हो गया, दाईं ओर से नवे अक्षर के बाईं ओर नवा अक्षर कौन होगा, अब इसके बायां नवा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आंसर क्या आ गया, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन खोज लेंगे यहाँ से ई। तो आपको सलाह दी जाती है छात्रगण कि कभी भी ऐसे काम ना करेंगे जिससे आपको फंसने जैसा महसूस हो। आप सिंपल नहीं कहेंगे सर हम लोग को बायां बायां पढ़ाया था, तो 9 9 18 जोड़ लीजिएगा, 18वां लेटर आपका आर आता है, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो वो एक समझना है कि किधर से पूछा गया है, क्या पूछा गया है। सेकेंड एक पढ़ाओ और क्वेश्चन का क्या हो सकता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और इसमें सेकंड नंबर क्या क्रिएट होगा भाई, कि अब सेकंड वाला आधा अर्थांश को अर्थात इसको पलट दिया जाए, ये वाला एरिया को पूरा पलट दिया जाए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फटाक से, उसको भी देख लेते हैं क्वेश्चन, तुरंत ले लेते हैं ना। कहता है कि निम्नलिखित वर्णमाला, जो निम्नलिखित जो वर्णमाला दिया हो गया है, निम्नलिखित वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को, यदि द्वितीय अर्धांश को, द्वितीय अर्धांश को, अर्धांश को पलट दिया जाता है, पलट दिया जाता है या विपरीत क्रम में लिखा जाता है, द्वितीय अर्धांश को पलटना वर्ड थोड़ा सही नहीं लिख रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है, विपरीत क्रम में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से, 12वें अक्षर दाईं ओर से, 12वें अक्षर के बाएं चौथा होगा, के बाएं चौथा होगा। फिर कहानी वही है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है L J K M,
एल जे के एम, पांचवा नंबर में नॉन ऑप्शन है, ठीक है ना। अब यहाँ द्वितीय अर्धांश को पलटा गया, यानी कि पहला अर्धांश सेम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, पहला अर्धांश सेम है, उधर से पढ़ दीजिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन, ये हो गया पूरा का पूरा। अब यहां से कहानी कहता है कि यदि उपर्युक्त वर्णमाला के पहले आधे अक्षरों को विपरीत, सॉरी यहां पे निम्नलिखित वर्णमाला में यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश को हम सब विपरीत क्रम में लिख चुके हैं, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से बारहवां, तो दाईं ओर से बारहवां कौन हो गया मेरा, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, दाईं ओर से बारहवां वाई हो गया। बारहवें अक्षर के बाएं चौथा होगा, इसके बाएं चौथा, एक दो तीन चार, आंसर क्या हो गया के। तो देखिए अगर हम यही ट्रिक पे अभी चलते हैं तो मेरा क्या हो जाता है, दायां और फिर ये क्या है, दायां और बायां है, दायां बायां में हम लोग जोड़ते हुए आए हैं, तो बारह और चार कितना हो जाता है, सोलह, चौथा है ना, बारह और चौथा है, तो बारह चार सोलहवां, सोलहवां लेटर मेरा पी होता है, तो आंसर गड़बड़ा जाता है। इसलिए बहुत बहुत अच्छी तरह से ऐसे प्रश्नों पर हमें सोच की आवश्यकता होती है छात्र के, बस इतना पड़ाव के अलावा कोई नहीं रहा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला अपने सीधे क्रमों में लिखा हुआ है तो बाएँ बाएँ क्या दिया हुआ रहे दोनों को घटा दीजिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अपने सीधे क्रम में लिखा हुआ है दाएँ दाएँ क्वेश्चन दिया है घटा दीजिए, आंसर दे दीजिए फटाक से। लेकिन दाएँ के आंसर देने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करके घटा करके देना है। प्रश्न फिर आपको आगे की ओर बढ़ेगा, यदि प्रश्न में बायां दायां दिया रहे दोनों को जोड़ देना है, प्रश्न में दायां बायां दिया रहे जोड़ देना है, लेकिन क्रम याद रखा जाएगा कि प्रश्न जो है सीधा अल्फाबेट सीधा अंग्रेजी वर्णमाला पर दौड़ना चाहिए। अगले पड़ाव पर चलते हैं, कहानी कहता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला यदि विपरीत क्रम में लिखी जा रही है और तब आपसे पूछा जा रहा है तो मैजिक नंबर 27 का प्रयोग करके आप बहुत अच्छा सा आंसर दे सकते हैं। तीसरी कहानी और इसमें चलते हैं, अन्य कहानी के तहत में, कि यदि पहला अर्धांश को पलटा जाए तो भाई आपको जो मैनुअल अटैक होता है क्वेश्चन मैनुअल अटैक पर बनाइएगा, यदि प्रश्न द्वितीय अर्धांश को पलट करके चल रहा है तो जो आपकी मैनुअल अटैक है उसी पर प्रश्नों का निर्माण करेंगे, उसी के आधार पर प्रश्नों को बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के पूरी चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश, बहुत लंबा टॉपिक है, तकरीबन 6 टाइप इसमें हम पढ़ाएंगे, आज टाइप 1 के यहाँ पे समापन कर रहे हैं। क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी कई सारे क्वेश्चन पीडीएफ के रूप में भी हम सब अटैच कर रहे हैं आपको, तो आप मनोयोग से इसको पढ़ते रहें, आपको बहुत बहुत हैंडी चैप्टर होगा। तो आप कहीं भी रहें खुश रहें, बहुत मजे में रहें, प्रैक्टिस निरंतर जारी रहे, ये कभी ना सोचे कि हमें एग्जाम नहीं है, वैकेंसी नहीं है। देखिए एनटीपीसी का एग्जाम का घोषणा हो गया 15 दिसंबर से, तो छात्रगण आपको बहुत मनोयोग से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो आज की क्लास हम सब यहीं पे समाप्त करेंगे, इस वादे के साथ कि अगली क्लास में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सब्बा खैर, बाय बाय।